खौफ तो पुराने ढंग से नहीं हो सकता है अब सिवान में, ये किसी की हिम्मत नहीं है कि पुराने ढंग से आवे। हाँ। एकाध घटनाओं में AK-47 जरूर चला है, लेकिन नहीं चलने दिया जाएगा AK-47 को, और पुराने खौफनाक मंजर को नहीं करती है सिवान की जनता, नकार देगी ऐसे लोगों को, ये लोग किसी नंबर में ही नहीं रहेंगे। ये सिवान की जनता गलती करने वाली नहीं है, उस वो दौर फिर आ सकता है? नहीं नहीं, वो दौर देखिए जनता के हाथों में ना, जनता के पास ताकत होती है, जनता उस दौर को आने ही नहीं देगी। जनता इतने उनके साथ चार लोग गए थे, आगे एक लोग भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI, इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें अच्छे मार्क के साथ। पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोकन क्लासेस, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी, कॉल करें 8102091587995598288। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। बाबा महेंद्र नाथ के प्रांगण में मौजूद हैं और लगभग 4 घंटे से जो NDA प्रत्याशी VA लक्ष्मी जी हैं, उनकी एक चुनावी सभा चल रही थी, जिसमें सिवान के सभी NDA के जो प्रतिनिधि हैं और उसके साथ साथ कुचाय कोट गोपालगंज से चलकर पप्पू पांडे भी आए हुए थे, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। सर, कैसा चल रहा है चुनावी सभा? देखिए, चुनावी सभा नहीं थी, एक कार्यकर्ताओं के NDA के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन था। ठीक है, सभा और सम्मेलन में फ़र्क है। इसमें चुनिंदा कार्यकर्ता आए थे, हर पंचायत के हर बूथ के लोगों को बुलाया गया था। हर पंचायत से कम 20-25 आदमी सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया था, जो NDA के कार्यकर्ता हैं, NDA के बैकबोन हैं, वैसे ही लोगों को बुलाया गया था। क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव है वो किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा? देखिए, NDA जब कभी भी चुनाव लड़ता है तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ता है। विकास ही हमारा इशू है और इसी मुद्दे पर पूरे देश का चुनाव लड़ा जा रहा है, बिहार का चुनाव लड़ा जा रहा है और सिवान का भी चुनाव लड़ा जाएगा। विकास की बात आजकल कम हो रही है, इधर उधर की बातें कुछ ज़्यादा हो रही हैं। कौन लोग इधर उधर की बात करते हैं हमें जानकारी नहीं है, इधर उधर की बात वैसे ही करते हैं जिनके विकास से कोई लेना देना नहीं है। खास करके विपक्ष जो है इशू को डाइवर्ट कर रहा है, जिन लोगों ने कभी विकास के बारे में कभी सोचा ही नहीं, वही लोग इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं। रमेश जी, आप सिवान की राजनीति में एक लंबे समय से रहे हुए हैं, 15 साल से NDA का शासन रहा है, हमें लगता है कि 9 से लगातार NDA के ही प्रत्याशी, चाहे वो BJP के हों या फिर JDU के हों, वही उन्हीं लोगों के हाथों में, लेकिन आज भी वो पुराने खौफ को याद दिलाया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? क्या वो खौफ आज भी कायम है सिवान में? देखिए, खौफ तो पुराने ढंग से नहीं हो सकता है अब सिवान में, ये किसी की हिम्मत नहीं है कि पुराने ढंग से आवे। हाँ, अभी एकाध घटनाओं में AK-47 जरूर चला है, लेकिन नहीं चलने दिया जाएगा AK-47 को, और पुराने खौफनाक मंजर को सिवान की जनता पसंद नहीं करती है, सिवान की जनता नकार देगी ऐसे लोगों को, ये लोग किसी नंबर में ही नहीं रहेंगे। ये सिवान की जनता गलती करने वाली नहीं है। क्या आपको शंका है कि उस वो दौर फिर आ सकता है? नहीं नहीं, वो दौर देखिए जनता के हाथों में ना, जनता के पास ताकत होती है, जनता उस दौर को आने ही नहीं देगी। जनता इतनी सचेत है, इतनी जनता की चेतना भी आगे बढ़ चुकी है, पुराने वाले लोग नहीं हैं अब, उस तरह का सोच भी लोगों के अंदर नहीं है। लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि सिवान भी डेवलप करे, बिहार भी डेवलप करे। आज आपके सामने
एनडीए के जो इंडिया गठबंधन के और बिहारी चौधरी हैं, और दूसरी तरफ हीना साहब भी हैं जो लगातार 3 बार चुनाव लोकसभा का हार चुकी हैं, लेकिन इस बार निर्दलीय वो आपके सामने खड़ी हैं। लड़ाई किससे होगी? हमारी लड़ाई ये दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं कि कौन दूसरे नंबर पर रहेगा। लड़ाई वे लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमसे तो कोई लड़ाई ही नहीं है किसी प्रत्याशी की, सच्चाई तो यही है। हिना साहब को, हिना साहब लगातार कह रही हैं कि उनके पति विकास पुरुष हैं, उन्होंने जो विकास के काम को अधूरा छोड़ा है वो मैं पूरा करने के लिए। वो विकास पुरुष तो नहीं थे, ये जो है एक गढ़ा गया कि विकास पुरुष है, सच में वो विनाश पुरुष थे। सिवान को उन्होंने गर्त में ढकेल दिया, और ऐसे गर्त में ढकेल दिया कि सिवान की जनता भूली नहीं है उन सब चीज़ों को। लेकिन रमेश जी, आजकल के उनकी सभा जो देखी जा रही है उसमें उनके सारे समर्थक और जहाँ जहाँ सभा हो रही है वो सभी लोग एकदम गेरुआ, जो जैसे ये गेरुआ पगड़ी आप बांधे हुए हैं वैसे वहाँ बांध करके बैठते हैं। लोग समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। देखिए, अब लोग मजबूर हो गए हैं, उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अच्छा ये बताइए, आप ओरिजिनल को लोग पसंद करेंगे कि नकली को पसंद करेंगे? यहाँ ओरिजिनल है ना गेरुआधारी, सब लोग इसमें भी ओरिजिनल और डुप्लीकेट। अरे उस डुप्लीकेट तो बिल्कुल डुप्लीकेट है, 2 नंबर के लोग हैं उनको, और कुछ नहीं, कुछ ठीका ठंटा करने वाले लोग वहाँ बहुत हाइप क्रिएट कर रहे हैं, उसे कुछ होने वाला है। बराबर वो लोग बोलते रहते हैं, बराबर वो लोग जिताते रहते हैं। आज जब चुनौत 2 दिन रहता है ना, पता नहीं कहाँ वो सब चले जाते हैं। अरे आपको ये लगता है कि आज भले ही साथ हैं लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा ये लोग साथ छोड़ जाए? अरे सुनिए ना, वो ऐसे लोगों की यहाँ कोई ज़रूरत भी नहीं है, हम ऐसे लोगों को निमंत्रण भी देने, वो जहाँ हैं वहीं रहे ना, वहीं अच्छा है। हमारे साथ जो लोग हैं वहीं रहे, यही अच्छा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। विपक्ष ये कह रहा है कि संविधान को मोदी जी मिटाना चाहते हैं। असल में संविधान को कोई खतरा नहीं है, यहाँ विपक्ष को खतरा है, वे लोग अपने वजूद बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा ये बताइए ना, 2014 से मोदी जी हैं ना देश के प्रधानमंत्री, 10 वर्ष हो गया, संविधान में क्या परिवर्तन हुआ, क्या संशोधन हुआ, क्या दलितों को कोई नुकसान हुआ है, क्या उनका आरक्षण खत्म हो गया क्या? अरे सब मनगढ़ंत बातें हैं ताकि लोगों को तोड़ा जा सके ऐसा। लेकिन सर मोदी जी ने कहा था कि महंगाई कम होगी, ये सब ये देखिए ये वैश्विक मामला है, ये वैश्विक मामला है, ये सिर्फ हमारे नेशन का सवाल नहीं है, ये वैश्विक स्तर पर चीज़ें घटती रहती है, बढ़ती रहती है। महंगाई बढ़ी है लेकिन लोगों की आमदनी भी बढ़ी है ना, लोगों के संसाधन भी बढ़े हैं। हर गांव में देखिए ना, जब हम पहली बार मोटरसाइकिल खरीदे थे, हमारे गांव के लोग देखने के लिए आए थे मोटरसाइकिल को, 82 में मोटरसाइकिल लिए थे, और जब हम स्कॉर्पियो लेकर गए तो कोई नहीं कहा कि हमको मिठाइयों खिलाइए, है ना। स्थिति तो ये है। तो आपका मतलब ये है कि समय बदल रहा है? नहीं, समय भी बदला है, समय तो रोज़ परिवर्तनशील है, समय तो बदलते ही रहता है, और जनता लगातार, हमारा देश भी आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली काफ़ी मजबूत हुआ है, अर्थतंत्र के मामले में मजबूत हुआ है, सैन्य शक्ति के भी मामले में हमारा मजबूत हुआ है, और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर हम एक शक्ति संतुलन बनाए हुए हैं मोदी जी के नेतृत्व में। आज हिना साहब ने नॉमिनेशन किया बिल्कुल गुपचुप तरीके से, किसी को पता नहीं था, सिर्फ 4 लोग जब डीएम के कार्यालय में गए, निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में गए, तब पता चला कि हिना साहब ने नामांकन कर दिया। अब आखिर जो काफिला, इतने बड़े बड़े काफिला लेके चलने वाले लोग, आज ये 4 लोगों के तक कैसे सीमित? देखिए अभी तो उनके साथ 4 लोग गए थे, आगे 1 लोग भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए, आपने देखा कि अभी रमेश जी से हमारी बातचीत हो रही थी, क्योंकि अभी लंबा ये चुनावी सभा चलेगी, चुनावी जो दौरा है वो चलेगा, और हम लगातार बातचीत करते रहेंगे सभी नेताओं, एनडीए के नेताओं से, कि आखिर इस बार का जो लोकसभा का जो चुनाव है वो किस करवट बैठने जा रहा है। गेट रेडी टू एक्सपीरियंस अ स्कूल दैट विल नॉट ओनली टीच योर चाइल्ड but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School. सिटी मोंटेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान,
सीबीएसई करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था, नए सत्र में नामांकन प्रारंभ, स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सा कोचिंग सेंटर, बुढ़ियामाई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 9934989245। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर एमडी मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, एमबीबीएस डीएनबी जनरल सर्जरी दिल्ली, लखीचंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखीचंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखीचंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।